आठ नाम चबड़िया भाई, क्यों लॉकअप देख रहे तुम भी? हाँ आज लॉकअप के बारे में बात नहीं कर रहे, बट रियलिटी शोज के बारे में बात कर रहे, क्योंकि फिलहाल लॉकअप आया, कंगना का शो है, हमेशा न्यूज में रहता है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती वहाँ पे। मतलब अभी तो एक बंदा कह रहा था मैं अपनी माँ के बेस्ट फ्रेंड के साथ सो गया क्योंकि वो डिवोर्सी थी, मैं कहा ये क्या रीजन हुआ पे? बट पॉइंट इज रियलिटी शोज बहुत ज्यादा अडिक्टिव होते हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी के कैरेक्टर से प्यार में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम रिलेट कर पाते होते हैं और फिर अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं रियलिटी शो देखने में। और यही रीजन है कि मैं लॉकअप नहीं देखता, क्योंकि लॉकअप पहला रियलिटी शो नहीं है, उससे पहले भी बहुत सारे रियलिटी शोज आए हैं। तो आज हम ऐसे 10 क्रिंजी रियलिटी शोज के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें से कुछ कैंसिल हो गए और भगवान भला करे कि ये कैंसिल हो गए। मतलब एक शो था राखी का स्वयंवर, याद है? जहाँ पे राखी सावन परदेसिया ये सच है पिया करती थी। मतलब आई मीन क्या था वो शो जहाँ पे 10-11 लड़के थे डिफरेंट फील्ड से, और जिनमें से 80% एक्टर बनना चाह रहे थे, और एक तो शादीशुदा भी था उस शो में, बीवी से परमिशन लेके आया था, अबे बच्चे भी थे उसके, अबे 2-3 तो एक्टर बन गए एक्चुअली शो के एयर होने के बाद। और क्रिंज ये नहीं है कि हाँ 10 लड़कों में से एक लड़की चुन रही है, पूरे शो में ना राखी सावंत ने जिस बंदे को चुना उसका कनाडा में रेस्टोरेंट था, इस वजह से पैसे वाला है, इस वजह से। जब शो खत्म हुआ, शादी तो की नहीं शो में, और शो के बाद पता चला कि उसको झूठ बोला था, कोई शो उसका रेस्टोरेंट नहीं है, कोई पैसे नहीं है, तो छोड़ दिया लड़की ने। मैं कहा शो का नाम स्वयंवर है, राखी का स्वयंवर, कुछ तो करते हैं शादी। अबे 3 सीजन है इसके, सीजन 2 में आया था राहुल महाजन, बंदे ने बात रखी राहुल दुल्हनिया ले जाएंगे करके था नाम। सीजन 2 में बंदे ने शादी की, 5 साल उसको पीटा भी, फिर डिवोर्स करा लिया। मैं कहा यार तेरा 2 सीजन 100% रिजल्ट नहीं है तुम्हारा, क्यों सीरीज बना रहे इसको? फिर तीसरा सीजन आया था, उसके बाद चैनल ही बंद हो गया। मैं कहा ऐसे शो बनाओगे तो बंद होना ही था तुम्हारा चैनल। और ये तो चलो ये है कि हाँ घर वाले देखेंगे, शादी उदी की बात हो रही है, फिर आते तुम जैसे लौंडे हैं जो हवस के पुजारी होते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से MTV पे शो आया था सुपर डूड। वहां पे लड़के लड़कियों को डिफरेंट तरीके से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे। सोफी हयात है इसमें, कभी उन वाली वेबसाइट पर सर्च करना उसके बारे में। भाई और सलमान खान के ऊपर इतना कुछ बोला हुआ है इस औरत ने, और जिस वे से वो लड़कियों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे ना, उस वे से उनको जज भी किया जाता था। क्या जल गया क्या? मतलब ये सारे सेलिब्रिटीज ना पब्लिक आई में बोलते रहते हैं नहीं नहीं इक्वल राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, सेक्सिज्म फैलाएंगे, हम भी देखें तुम में से सबसे बड़ा प्ले बॉय एफ बॉय कौन है, दिखाओ जरा अपना टैलेंट। एक शो था किसी चैनल पर आया था, डेयर टू डेट रियलिटी शो था, जहाँ पे दो बंदे जो कंफर्टेबल नहीं है उनको एक साथ टेबल पर बैठाया जाता था, और शो का नाम था डेयर टू डेट। मैं कह रहा हूँ गलत नाम था इसलिए फ्लॉप हुआ, क्वेश्चन होना चाहिए था डेयर टू वॉच। अबे लोग चैलेंज समझ के देखते तो शो को, क्या कॉन्सेप्ट लेके आया तुम? ओहो, और सबसे फेवरेट मेरा शो था, मेरा फेवरेट शो तो नहीं कहूंगा मैं, बट जिसकी वजह से हमें मीम मिला, इमोशनल अत्याचार, जहां पे कपल्स, सो कॉल्ड कपल्स, स्ट्रगलिंग मॉडल कपल्स जाते थे ट्रस्ट चेक करने के लिए अपने पार्टनर का, तो चाहे लड़का हो या अपने लड़का अपनी गर्लफ्रेंड पे टेस्ट कर सकता है कि हाँ वो लॉयल है कि नहीं है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ना बंदी लॉयल नहीं निकलती थी और ना ही बंदा। मैं कहा एक मिनट, कौन सा लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है ये? कहाँ होता है ऐसा टेस्ट? हाँ सच में यार ये शो देख के दिल से फीलिंग नहीं आती, कौन सी मीटिंग है जहाँ हमें नहीं बुला रहे तुम लोग? अबे पहले तो हर शो में ना अगर बंदी है मतलब अगर बंदी है तो बंदे के पास एक हॉट लड़की अप्रोच करेगी, बंदे को मेरे से ट्राई करो, मैं रिलेशनशिप में रहूंगा ना तो भी उस पर ट्राई नहीं मारू, मुझे अपनी औकात पता है। जब औकात से बाहर की आ रही है, अरे घर में दाल चावल है तो बिरयानी के चक्कर में बाहर नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है वो बिरयानी कौवा बिरयानी है। और ये तो लंबा चौड़ा चला था यार, इमोशनल लगते चार। एक्चुअली मैं देखता था ये शो, अब बड़ा मजा आता था उस टाइम में, मुझे पता नहीं था ना स्क्रिप्टेड होते हैं साले।
और भाई साहब और कॉपी करने में हम पीछे थोड़ी हैं, मतलब जहाँ जो अमेरिकन ने कर दिया है अरे उठा लो, हम क्यों मेहनत करें, हमारे अंदर टैलेंट थोड़ी है। तो एक शो था इस जंगल से मुझे बचाओ, बेसिकली एक शो आता है सर्वाइवर, सर्वाइवर नहीं बेसिकली एक शो आता है गेट मी आउट ऑफ हियर, तो उससे इंस्पायर्ड था ये शो, बस जंगल में। प्रोड्यूसर को कोई ये समझाओ जंगल में मंगल पसंद है हमें, बचाओ नहीं आज मारा ना, तुझे बोला किसने था जंगल में जाने के लिए? अबे जेन्युइनली तू जंगल में जाके बोलेगा जंगल से बचाओ तो मैं थोड़ी आऊंगा, शेर आया हेलो बोलने के लिए, बोल उसको हाय, मैंने देखा भी नहीं शो किस बारे में। बट जो भी तुम्हें पता है कुछ अनजान लोगों को, मतलब सेलिब्रिटीज लोगों को जंगल में छोड़ देते हैं जो सेट होता है इनका, और फिर जंगल में फिर मंगल की हॉट फुटेज डालते रहते हैं पीआरपी के लिए, बट उसके बाद भी शो बचा नहीं पाते क्योंकि हक दिया है तुमने, बिग बॉस है तो क्यों बना रहे हो ये सब, तुम्हारे पास तो कंगना रनौत भी नहीं थी सालो, बस करो सबर। और ये भी छोड़ो बे, सर्वाइवल करके एक शो आता है जो एक्चुअली बहुत चलता है फॉरेन में, इंडिया में आया था क्या था वो आशुतोष का था, जंगल राज करके था कुछ, था एक सर्वाइवर शो था जहां पे वो एक्चुअली मुझे अच्छा लगा था, इंडिया इमेजिन पाया था, बट वो भी बंद हो गया, टट्टी शो हो गया था। इन सब करप्शन देखनी है ना इंसान के अंदर कितनी थी, वो शो देखने लायक था। मैं बुराई करने यहाँ पर तारीफ करने लगा, क्रिंज शो है, घटिया शो था। आशुतोष राणा पसंद है मुझे इसलिए पसंद आया था, बस और कुछ, और सिर्फ ये शो नहीं है, एक और शो है कीपिंग अप विद कार्डशियंस, जहाँ से किम कार्डशियन और ये पूरी फैमिली कार्डशियन फैमिली बनी है, तो वैसे ही शो बना था इंडिया में गौहर खान के लिए, क्या नाम था शो का, खान सिस्टर्स। वाह वाह कॉन्सेप्ट, वो एक तो नाम बदल देते बस, कीपिंग अप विद खान सिस्टर्स, नहीं नहीं सिर्फ खान सिस्टर्स, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इतना अंग्रेजी काफी है भाई, खान सिस्टर्स। पता है तुम्हें किस बारे में, उनके घर में जो भी हो रहा है कलेश उसको छूट करना है, सही बता रहा हूँ, ये व्लॉग है, ये व्लॉग्स है जो नेशनल टीवी पे चलती है। और सौरव जोशी भाई साहब, सौरव जोशी को व्लॉग मैं बता रहा हूँ, उसको लाओ, उसको कास्ट करो, वो एक्चुअली दिलाएगा पैसा। अबे हाँ काइंड ऑफ सौरव जोशी व्लॉग्स ही तो है ये, खान सिस्टर्स कीपिंग अप विद कार्डशियंस। अबे सबसे मस्त शो था दादागिरी, दादागिरी जिनको दादागिरी याद नहीं ना तुम्हें ये सीन जरूर याद होगा। एक्चुअली द थिंग इज दैट वी डोंट वांट टू टॉक विद यू एक्चुअली। व्हाई डोंट यू गो एंड फक ऑफ देन? यू गो। हाउ कैन यू स्लैप? हाउ कैन यू स्लैप? मैड ऑफ व्हाट? हाउ कैन यू स्लैप? कुछ नहीं दादागिरी कुछ नहीं था, ये सस्ता रूडीज था, बट ये सीन के लिए जाना गया है। और पता है बाद में इसको बैक स्टेज ले जाके 60 लोगों ने पीटा था, 60 और बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था, मतलब ऑनलाइन जब वीडियो वायरल गई थी ना तब थोड़ी सिंपथी मिली बेचारे को, पेटा वो अलग बात है, बट जो करके गया मेरी तो रिस्पेक्ट लेके गया बंदा, और शो बंद करवा के गया है। भाई के लिए मैं बोल सकता हूँ मेरे भाई में भी दम है, और इस लिस्ट में वापस अपनी री एंट्री करने के लिए आखिरी पोजिशन पे वापस एक बार फिर से हमारी फेवरेट राखी का इंसाफ। भाई गॉड मैं मजाक भी नहीं करना चाह रहा, मैं इसे क्रिंज नहीं कह सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहता, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ मैं क्रिंज नहीं बोल पाऊंगा राखी के इंसाफ को, क्या मस्त शो था यार ये। अगर तुम्हें एंजॉय करना ना लाइफ में ना, तुम्हारी जिंदगी के एल लगे हुए, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा तुम्हें, जीने की इच्छा खत्म हो गई है, ये शो देख मारो भाई, अगर तुम्हारा डिप्रेशन खत्म ना हुआ ना, राखी अपना नाम बदल लेगी ना, वो तो मैं अपने पे रिस्क लूं उसी पे खेलूंगा ना। अरे इतनी ओवर एक्टिंग भरी हुई थी ना कि अगर क्लिप में लेना एक क्लिप डालियो यार राखी के इंसाफ से फनी हो जो भी हो क्योंकि मुझे मालूम है मैंने रिव्यू किया हुआ ज्ञानी पे इसका। मैंने ये पूछा तुमने लगातार कह गया ना कि यहां इसमें कोई गैप नहीं है, फर्स्ट टाइम तुमने मुझे कॉल किया और फर्स्ट टाइम दे तो सेकंड टाइम तुमने कॉल करके मुझे बता दे 1 मिनट। हां चिल्ला तुमने मुझे, अरे चिल्लाओ कि नहीं तू चिल्ला, मैं झूठ मत बोल, इंसान है का माता झूठ रंडी, ए रंडी रंडी खाली माता झूठ रंडी होना है माता रंडी। लगता है एक और वीडियो बनाने का आईडिया आ गया, ये ज्ञानी पे बनाएंगे। तो बाकी अगर ऐसा कोई और शो तुम्हें याद आए, रूडीज का नाम मत लेना, रूडीज एक्चुअली चला था तेरे नाम और रूडीज, ये दोनों ही चीज है जिसने एक पूरी जनरेशन खराब करी है, बीच की मांग निकालते हुए, एक बीच की मांग निकालते हुए टकला होते हुए। और बिग बॉस भी मत लेना, बिग बॉस एक्चुअली सक्सेसफुल शो है। और कौन सा शो आया था अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो बता दो, पार्ट 2 बनाएंगे इसका बहुत जल्द, ठीक है। सो अगर एंजॉय किया तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी ये रही एक और वीडियो, एक्चुअली गाना है होली पर रिलीज किया मैंने,
अगर नहीं सुना है सुन सकते हो, क्लिक करो, करो ना, लाइक करनी रे, सब्सक्राइब करनी है, गाने सुन लो, शॉर्ट है यार, एक मिनट का है, सच बोल लो, चलो बाय, पीस।